नमस्कार, मैं हूँ रिया मदनवाल और आप देख रहे हैं चंदधारा 24x7। चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप 10 बुलेटिन पर। संयुक्त फोर्स को बड़ी कामयाबी, बारिश में आधी रात को 350 जवानों ने घेरा, 17 घंटे के ऑपरेशन में 9 नक्सली मारे गए। एनआरडीए की जमीन पर चैन माउंटेन से मुरुम की खुदाई, नवागांव मंदिर हसौद से आधी रात प्रशासन की कार्रवाई, 6 से ज्यादा गाड़ियां हुई जब्त। रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी, पंडाल में सीसीटीवी से करनी होगी निगरानी, नियमों का करना होगा पालन। छत्तीसगढ़ लौटे आईएएस अमित कटारिया, फिलहाल कोई विभाग नहीं मिला। वहीं बीजेपी सरकार के 8 महीने में वापस प्रदेश आने वाले 5वें अधिकारी बने। छत्तीसगढ़ के 12,000 लॉ स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, 17,500 की जगह 125 से 750 रुपए में रजिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्कुलर हुआ जारी। बिलासपुर में आज हो सकती है हल्की बारिश, दिन में धूप ने बढ़ाई गर्मी और उमस, शहर में 32 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। आरंग में दुष्कर्म हत्या मामले में केस लौटाया, हाईकोर्ट ने कहा नाबालिग आरोपी का दोबारा कराए साइकोलॉजिकल टेस्ट। नई हेल्थ केयर नीति तत्काल प्रभाव से लागू, रेलवे 100 रुपए में देगा यूनिक कार्ड, 27 लाख कर्मियों पेंशनर्स को फ्री में इलाज। शहर के बड़े स्कूल में बच्ची से गलत व्यवहार, 2 महीने के विरोध और राजनीतिक दबाव के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। एमपी के चोरों ने कुरियर ऑफिस में की चोरी, त्रिनयन सीसीटीवी ऐप से पकड़े गए चोर, बालाघाट से दुर्ग उठा लाई पुलिस। ऐसी तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए चंदधारा 24x7।